कॉलेज स्टूडेंट, हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है और टॉपिक जो है उसका मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 के, तो प्रॉब्लम सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 8.1 है। अच्छा, जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो यूज होंगे ना फॉर्मूले, तो उन फॉर्मूले को पहले मैं मैंशन कर देता हूँ। तो इसमें हमने सेल्सियस, फारेनहाइट, तो केल्विन को डिस्कस किया था, रिलेशंस को आपस में डिस्कस किया था। तो उसके जो फार्मूले है वो ये है, केल्विन का जो फार्मूला है पी के 273 प्लस सी, इसी तरह फारेनहाइट का फार्मूला 1.8 सी प्लस 32 डिग्री, और जो सेल्सियस के लिए केल्विन को कन्वर्ट करने की ए माइनस 273। अच्छा, अब जो उसके पहला न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ये है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस, बेटर सीज ने हमें सेल्सियस के लिए 50 डिग्री सेल्सियस, वट इज इट्स वैल्यू इन फारेनहाइट, तथा फारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या हो। हम फारेनहाइट का रिलेशन यूज करेंगे, फारेनहाइट और सेल्सियस की जो रिलेशन है एफ इक्वल 1.8 सी प्लस 32 डिग्री। तो 1.8 सी 50 है प्लस 32 डिग्री, तो हम सॉल्व कर लेते हैं 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आता है 90 प्लस 32 डिग्री, उसमें हम ऐड कर लेते हैं प्लस 32, 122 डिग्री फारेनहाइट, डिग्री पहले कितना है फारेनहाइट बाद में, तो ये थी इसका आंसर था, ये थी हमारी प्रॉब्लम 8.1। अब हम करते हैं प्रॉब्लम 8.2। अच्छा जी, इसमें कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो इसमें हमने फारेनहाइट दिया है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करें और केल्विन के अंदर भी इसे आप कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले इसे हम सेल्सियस में ले आते हैं, हम वो रिलेशन को सेल्सियस और फारेनहाइट के आपस में, ये सेकंड जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये हम फार्मूला इसका यूज करेंगे एफ इक्वल 1.8 सी प्लस 32 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या मूव करना है, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस को अलहदा कर देते हैं, प्लस 32 इधर आके क्या होगा माइनस 32, 1.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा माइनस सी, हम यहां से निकालेंगे एफ, उसने हमें गिवन क्या दिया है 98.6 डिग्री माइनस 32 डिग्री 1.8, तो इन्हें हम सबमिट कर लेते हैं 98.6 माइनस 32 और यह आ जाएगा 66.6 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये पहला जो है उसने हमें जो कहा था सेल्सियस में, इससे बताया कि जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल वो फारेनहाइट उसने दिया 98.6 डिग्री, और कहता सेल्सियस में बताया कि वो था 37 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं इसका केल्विन में भी बताया, केल्विन का जो फॉर्मूला जो रिलेशन है सेल्सियस के साथ ये है वो है टी के 273 प्लस सी, टी के 273 प्लस सी जो है वो हमारा कितना निकला 37 डिग्री,
इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 73 प्लस 37, ये आ जाएगा 310 केल्विन। नहीं जी, तो ये जो था उसमें हमें फॉरनहाइट दिया, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरनहाइट, इसमें कैसे सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट करें, और सेल्सियस और फॉरनहाइट की जो रिलेशन थी ये जो मैंने आपको ये टॉपिक पर समझाई हुई है उससे आपने लिखना है, वहां से हम सी को सेपरेट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह उसमें क्या आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करें, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने केल्विन और सेल्सियस की जो रिलेशन थी E=273 273 + C उसका इस्तेमाल किया, सी का आंसर हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं, वो वैल्यूज के अंदर पुट की हमारा ये आंसर आ गया। सबसे पहले हम ये रिलेशन केल्विन में निकाल सकते हैं, उसकी रीजन क्या है, उसके अंदर सेल्सियस है, सेल्सियस तो हमारे पास है नहीं, इस वजह से हमने सबसे पहले सेल्सियस को फाइंड आउट किया फॉरनहाइट की रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए, फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। होपफुली आपको समझ आई होगी, ये था आपका न्यूमेरिकल 8.1 और 8.2। थैंक यू।